हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज से हम ज्यूरिस्प्रूडेंस का आपका एक नया टॉपिक, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ लॉ। क्या नाम है? सोर्सेज ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, ये चैप्टर तो अपन पढ़ेंगे, लेकिन पहले अपन ये तो समझ लें कि सोर्सेज ऑफ लॉ यानी होता क्या है। बराबर भाई, सोर्सेज ऑफ लॉ यानी क्या, क्या पढ़ना है इसमें। फ्रेंड्स, भारत में जितने भी लॉज बने है ना, इंडिया में जितने भी क्या बने, लॉज बने, हर कानून का, हर लॉ का कोई ना कोई क्या रहा है, सोर्स रहा है। अब सोर्स रहा है मतलब क्या, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। भारत में एक कानून है हिंदू मैरिज एक्ट। बराबर, अब हिंदू मैरिज एक्ट पहले एक भारत में क्या हुआ करता था, कस्टम, एक रिवाज था, शादी का एक रिवाज था। उस कस्टम के बेसिस पर भारत में क्या बना दिया गया, हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया गया। फिर आपने एक और सुना होगा, ट्रिपल तलाक है ना, ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए भारत में क्या बना, लॉ बना। तो यह भी एक तरीके का पहले क्या था, कस्टम था, मुस्लिम्स कस्टम, इसको बैन करने के लिए क्या बना, ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून बना। फिर भारत में एक सती प्रथा थी, आपने सुना होगा जब आप लोग स्कूल में रहे होंगे, कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वाइफ सती हो जाती थी। उस सती प्रथा को बैन करने के लिए क्या बना, लॉ बना, है ना। यह भी पहले एक क्या था, कस्टम था, एक रिवाज था भारत में। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे कानून भारत में कोई रिवाज के कारण, कोई कस्टम के कारण बने। बराबर, लेकिन फ्रेंड्स सिर्फ क्या कस्टम्स के कारण ही लॉ बनते नहीं, बहुत सारे लॉज कोर्ट के जजमेंट के बाद भी बनते हैं, विच इज कॉल्ड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। क्या बोला जाता है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। तो बहुत सारे लॉज ऐसे होते हैं जो कोर्ट कोई जजमेंट देता है उसके बाद बनते हैं। तो बहुत सारे लॉज कस्टम्स के कारण बनते हैं, बहुत सारे लॉज जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स कोर्ट के जजमेंट के कारण बनते हैं, बहुत सारे लॉज पार्लियामेंट बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स एक्ट। बराबर, फिर आपका जीएसटी, कितने सारे लॉज पार्लियामेंट बनाता है, वो हो गए। तो फ्रेंड्स, भारत में जो कानून बन रहे हैं ना, उनके अलग अलग सोर्सेज हैं। बहुत सारे लॉज कस्टम्स के कारण बन रहे हैं, बहुत सारे लॉज कोर्ट के जजमेंट के कारण बन रहे हैं, बहुत सारे लॉज पार्लियामेंट लेजिस्लेचर बना रहा है, पार्लियामेंट बना रहा है मतलब लेजिस्लेचर बना रहा है। बराबर, तो फ्रेंड्स अलग अलग सोर्सेज से भारत में क्या बनाए जा रहे हैं, कानून बनाने जा रहे हैं, और यही अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, जब अपन और डिटेल में जाएंगे तो आपको और डिटेल में समझेगा ये चैप्टर। तो फ्रेंड्स, सोर्सेज ऑफ लॉ में अपने को बेसिकली पढ़ना क्या क्या है, पहले अपन ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले अपने को पढ़ना है फ्रेंड्स डेफिनेशंस, है ना। अपने को यहां पर पांच डेफिनेशंस पढ़नी है, उसके बाद अपने को पढ़ना है फ्रेंड्स सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ। क्या पढ़ना है? सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ। उसके बाद अपने को पढ़ना है फ्रेंड्स सोर्सेज ऑफ लॉ, कि लॉ कहां कहां से बने, और फिर अपने को पढ़ना है फ्रेंड्स थेरीज। बहुत सारी थेरी है यहां पर, है ना, ऑस्टिन थेरी, सैलमन थेरी, वो अपन यहां पढ़ेंगे। तो ये चार ब्रॉड टॉपिक आपको पढ़ने हैं। क्या क्या? सबसे पहले आपको डेफिनेशंस पढ़नी है, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है सोर्सेज ऑफ लॉ, और उसके बाद आपको पढ़ना है थेरीज, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। दिस चैप्टर हैज अ वेटेज ऑफ फ्रेंड्स 15 टू 20 मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बिल्कुल पूरा पढ़ के जाना है ये चैप्टर। आप कुछ भी छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते इस चैप्टर में, चूंकि इट हैज अ वेटेज ऑफ 15 टू 20 मार्क्स, और पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में आप सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी करेंगे, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आएगा। क्लियर? तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं डेफिनेशंस। चलिए आते हैं चैप्टर पे फ्रेंड्स, देखते हैं क्या लिखा है चैप्टर में, देखते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉ इन एनी सोसाइटी। अभी मैंने आपको बताया है ना, बहुत सारे कानून कस्टम, किसी रिवाज के कारण बन गए, बहुत सारे कानून कोर्ट के जजमेंट के कारण बन गए, बहुत सारे कानून लेजिस्लेचर ने बना दिए। मतलब लॉ बनाने के अलग अलग क्या है फ्रेंड्स, सोर्सेज हैं। सम लॉज विल बी रिटन इन द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे कानून भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखे हैं। अदर्स विल बी पास बाय लेजिस्लेचर, बहुत सारे कानून लेजिस्लेचर ने, पार्लियामेंट ने बनाए।
एंड सम अदर लॉज विल कम फ्रॉम सोशल ट्रेडिशन. सोशल ट्रेडिशन का मतलब होता है कल्चर, है ना, कल्चर या कस्टम्स. बहुत सारे लॉज अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे कानून भारत में फ्रेंड्स कस्टम, एक रिवाज था, वो रिवाज के कारण क्या बन गया, कानून बन गया, बराबर. तो बहुत सारे लॉज तो कहां लिखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं इसलिए लॉ बन गए. बहुत सारे लॉज किसने बनाए, लेजिस्लेचर, लाइक पार्लियामेंट ने बनाए, गवर्नमेंट ने बनाए. और बहुत सारे लॉज भारत में ऐसे बने फ्रेंड्स सोशल ट्रेडिशन, कस्टम्स के कारण, रिवाज के कारण. क्लियर. अब फ्रेंड्स क्या हुआ, आप थोड़ा सा सोच के बताइए, अगर आप इंडिया की बात करो, तो अगर मैं 1800 की बात करूं, 1900 की बात करूं और 2000 की बात करूं, मुझे एक बात बताइए, क्या अपन जैसे 1800 में रहते थे, 1800 में, ईयर 1800, हाँ ईयर 1800 में जैसे रहते थे, क्या ईयर 1900 में भी वैसे ही रहते थे, और क्या ईयर 2000 में भी वैसे ही रह रहे हैं, कि समय के साथ अपने रहने का तरीका, अपने ट्रेडिशंस, अपने कल्चर्स चेंज हुए हैं, क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली सर, जैसे जैसे समय चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ, अपने रहने का तरीका चेंज हुआ, अपने नेचर में चेंज आया, बराबर, अपनी सोसाइटी में चेंजेस आए. क्योंकि सोसाइटी में चेंजेस आए फ्रेंड्स, तो मुझे बताइए, मुझे बताइए, क्या लॉ में चेंजेस लाना जरूरी था कि नहीं? जैसे जैसे समय बदला, अपनी सोसाइटी बदली. पहले देयर वॉज नो इंटरनेट, देयर वॉज नो मोबाइल कनेक्शन, बराबर, है ना, लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते थे तो पैदल चले जाते थे, देयर वॉज नो साइकिल, नो स्कूटर, नो कार. तो अपनी सोसाइटी में समय के हिसाब से क्या हुआ है, चेंजेस हुए. क्योंकि समय के हिसाब से चेंजेस हुए, तो लॉ में भी चेंजेस आए. तो मुझे बताइए, क्या ईयर 1800 में जैसा लॉ था, क्या ईयर 1900 में भी वैसा ही लॉ रहा होगा, और क्या ईयर 2000 में भी वैसा ही लॉ है, कि समय के साथ लॉ बदला है? बिल्कुल सर, समय के साथ लॉ बदला है. आज से 200 साल पहले जो कानून थे, आज कानून बदल गए हैं, आज वैसे कानून नहीं हैं. अपनी सोसाइटी की नीड्स बदली हैं, तो कानून भी बदले हैं, तो लॉ भी बदले हैं, बराबर. जैसे जैसे सोसाइटी बदलती चली गई, कानून भी बदलते चले गए. मतलब जो लॉज 1800 में थे, 1900 में वो लॉज चेंज हुए होंगे, 2000 में भी फिर से चेंज हुए होंगे, बराबर, क्योंकि सोसाइटी बदली है. मतलब लॉ कभी एक जैसा नहीं रहा. क्योंकि लॉ कभी एक जैसा नहीं रहा, तो क्या उसकी डेफिनेशन हमेशा सेम रहेगी? नहीं सर, 1800 में जब लोग रहते थे, तो उनके लिए कानून कुछ और था, बराबर भाई, तब कुछ और कानून था, तब गवर्नमेंट वगैरह तो थी नहीं, तो जो राजा बोलते थे वही कानून था. 1900 में ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह थी, अंग्रेज जो बोलते थे वही कानून था. ईयर 2000 में अब गवर्नमेंट जो बोलती है वही कानून है, बराबर भाई. ईयर 1800 1700 की बात करो, तब तो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो राजा महाराजाओं ने जो बोला वही कानून है. ईयर 1900 की बात करो, तो अपन गुलाम थे, तो जो अंग्रेज बोलते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती थी, वही कानून था. ईयर 2000 में अब तो गवर्नमेंट है, तो जो गवर्नमेंट बोलती है वही कानून है. मतलब समय के हिसाब से लॉ की डेफिनेशंस क्या हुई हैं, बदली हैं. लॉ कभी एक जैसा नहीं रहा. जैसे जैसे समय चेंज हुआ, लॉ बदला, तो लॉ की डेफिनेशंस भी बदली. देखते द नेचर एंड मीनिंग ऑफ लॉ हैज बीन डिस्क्राइब बाय वेरियस जूरिस्ट, है ना. लॉ को बहुत लोगों ने समझाने की कोशिश करी. देखो क्या लिखा है, द नेचर एंड मीनिंग ऑफ लॉ हैज बीन डिस्क्राइब बाय वेरियस जूरिस्ट. However, there is no unanimity of opinion regarding the true nature and meaning of law. लेकिन कोई unanimity नहीं है. Unanimity मतलब सबने एक जैसा नहीं समझाया. मैंने अभी आपको क्या बोला, जैसे जैसे समय बदला, law बदला. तो 1800 में जब law को define किया गया, तो अलग तरीके से किया गया. 1900 में जब law को define किया गया, तो अलग तरीके से किया गया. और आज के समय में जब लॉ को डिफाइन किया जा रहा है, तो अलग से तरीके से किया जा रहा है. मतलब कोई यूनानिमिटी, कोई एक समानता नहीं है, है ना. क्या लिखा है देखो, देयर इज नो यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग द ट्रू नेचर एंड मीनिंग ऑफ लॉ. अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से लॉ को समझाने की कोशिश करी, लेकिन सब लोगों का मतलब अलग अलग था, कोई यूनानिमिटी नहीं थी.
The reason for lack of unanimity on the subject is that the subject has been viewed and dealt with by different jurists as to formulate a general theory of legal order at different times and from different points of view, that is to say from the point of view of nature, source, function and purpose of law to meet the needs of some given period of legal development. अब मैंने अभी आपको क्या बोला, अलग अलग लोगों ने लॉ को समझाने की कोशिश करी, लेकिन सबका मतलब क्या है, अलग अलग है. आपके लिए लॉ का मतलब कुछ और होगा, मेरे लिए वही कानून का मतलब कुछ और होगा, और किसी और के लिए लॉ का मतलब कुछ और होगा, क्योंकि आप लॉ को अलग नजरिए से देखते हो, मैं लॉ को अलग नजरिए से देखता हूं, कोई और लॉ को अलग नजरिए से देखता होगा. तो फ्रेंड्स, लॉ की मल्टीपल डेफिनेशंस हैं और सब डेफिनेशंस एक दूसरे से क्या करती है, कॉन्ट्राडिक्ट. कॉन्ट्राडिक्ट मतलब आपके लिए लॉ का मतलब कुछ और है, मेरे लिए लॉ का मतलब कुछ और है, किसी और के लिए लॉ का मतलब कुछ और है. सो देयर इज नो यूनैनिमिटी. यूनैनिमिटी मतलब समझ रहा है, सबके सबकी डेफिनेशन एक जैसी नहीं है. क्लियर? तो क्या बोला गया, जो लॉ है ना, जो लॉ है उसको बहुत सारे लोगों ने समझाने की कोशिश करी, डिस्क्राइब बाय वेरियस जूरिस्ट. जूरिस्ट यानी क्या, जो लॉ को एक्सप्लेन करता है, जो लॉ को डिफाइन करता है. तो जितने लोगों ने लॉ को डिफाइन किया उनको क्या बोलते हैं, जूरिस्ट. बहुत सारे लोगों ने लॉ का मतलब समझाया बट उनमें कोई यूनैनिमिटी नहीं है, नो यूनैनिमिटी. सबके लिए लॉ का मतलब कैसा है, अलग अलग है. क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछे क्या सबके लिए लॉ एक समान है, नहीं, मतलब लॉ एक समान है बट सबके लिए क्या लॉ का मतलब एक समान है, नहीं. आपके लिए लॉ का मतलब कुछ और होगा, मेरे लिए लॉ का मतलब कुछ और होगा, और किसी और के लिए लॉ का मतलब कुछ और होगा, क्योंकि सबका लॉ का देखने का नजरिया, सबको कानून को देखने का नजरिया अलग अलग है. आप लॉ को अलग नजरिए से देखते हैं, मैं लॉ को अलग नजरिए से देखता हूं, कोई और लॉ को अलग नजरिए से देखता हुआ. क्लियर? तो फ्रेंड्स, क्योंकि अलग अलग लोगों ने लॉ को समझाने की कोशिश करी, इसलिए मल्टीपल डेफिनेशंस आ गई, है ना. डेफिनेशंस ऑफ लॉ. तो अपने कोर्स में फ्रेंड्स 5 डेफिनेशंस है. कितनी? 5. ध्यान से समझिएगा. पहली डेफिनेशन है नेचुरल स्कूल. पहली डेफिनेशन कौन सी है? नेचुरल स्कूल. दूसरी डेफिनेशन है पॉजिटिविस्टिक. क्लियर? पहली कौन सी है? नेचुरल स्कूल. दूसरी कौन सी? पॉजिटिविस्टिक. थर्ड डेफिनेशन है फ्रेंड्स हिस्टोरिकल डेफिनेशन. फोर्थ डेफिनेशन है फ्रेंड्स सोशियोलॉजिकल. और फिफ्थ डेफिनेशन का नाम है रियलिस्टिक डेफिनेशन. फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको समझाया है लॉ को मल्टीपल लोगों ने समझाने की कोशिश करी. जो लॉ को एक्सप्लेन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? जूरिस्ट. अब आप जब लॉ को समझाएंगे तो आपके लिए हो सकता है लॉ का मतलब कुछ और हो, कानून का मतलब कुछ और हो. मैं जब लॉ को समझाऊं, कानून को समझाऊं कि कानून मतलब क्या, मेरे लिए कुछ और हो और किसी और के लिए कुछ और हो. तो बहुत सारी क्या निकल के आ गई? डेफिनेशन. अपने कोर्स में 5 डेफिनेशन थे. पहली डेफिनेशन है नेचुरल स्कूल, दूसरी है पॉजिटिविस्टिक, तीसरी है हिस्टोरिकल, चौथी है सोशियोलॉजिकल और पांचवी है रियलिस्टिक. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपसे एग्जाम में एक डेफिनेशन फ्रेंड्स पूछी ही जाएगी. अब अपने को एक एक करके डेफिनेशन समझनी है. क्लियर फ्रेंड्स? पहले अपन समझते हैं नेचुरल स्कूल की डेफिनेशन, है ना. मैंने आपको बताया 5 डेफिनेशन है, नेचुरल स्कूल, पॉजिटिविस्टिक, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल और रियलिस्टिक. बराबर? पहले अपन कौन सी डेफिनेशन समझ रहे हैं फ्रेंड्स? नेचुरल स्कूल की. नेचुरल स्कूल फ्रेंड्स क्या बोलता है? नेचुरल स्कूल फ्रेंड्स बोलता है these are inherent laws, मतलब laws of nature. अब इसका मतलब क्या हुआ? नेचुरल स्कूल बोलता है फ्रेंड्स जो लॉज है ना वो नेचर ने बनाए हैं, आपने और मैंने नहीं बनाए, जो हमारा नेचर है, जहां हम रहते हैं उन्होंने बनाए हैं, अपने आप लॉ बन गए हैं. मतलब नेचुरल स्कूल का ऐसा मानना है, अपने आप बन गए मतलब अपने आप कोई ऊपर से तो नहीं टपक गए ना. नेचुरल स्कूल का मानना है भगवान ने जो बनाया
वही लॉ है, वही लॉ है जो भगवान ने लिख दिया, वही कानून है। ये नेचुरल स्कूल का मानना है। आपको और मुझे बस वो चीज को फॉलो करना है। नेचुरल स्कूल क्या बोलता है फ्रेंड? नेचुरल स्कूल बोलता है लॉज ऑफ नेचर, जो नेचर ने बनाया। नेचर ने मतलब भगवान ने बनाया। भाई नेचर किसने बनाया है? नेचर किसने बनाया? भगवान ने। तो नेचुरल स्कूल का यह मानना है कि जो भगवान ने बनाया वही लॉ है। आपको और मुझे उसको बात को मानना है। अब भगवान ने बनाया मतलब जो गीता में लिखा है, जो कुरान में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है, वही कानून है और आप और मैं उसको फॉलो करेंगे। क्लियर? दिस इज दी ओल्डेस्ट डेफिनेशन। ये सबसे ओल्डेस्ट डेफिनेशन है। सबसे पहले जब किसी कभी लॉ को डिफाइन किया गया था तो नेचुरल स्कूल वालों ने डिफाइन किया था। उन्होंने कैसे डिफाइन किया? दीज आर इनहेरेंट लॉज, हमने इनहेरिट किए हैं। कहां से इनहेरिट किए? जो लॉज भगवान ने बनाए, जो बातें भगवान ने बोली वही कानून है। तो भगवान ने कहां बोली? जो बातें गीता में लिखी हैं, जो बातें कुरान में लिखी हैं, जो बातें बाइबल में लिखी है, वही लॉज है। आप और मैं उसको फॉलो करेंगे। समझ में आया? नेचुरल स्कूल। तो देखो क्या बोला गया, अंडर दिस स्कूल फॉल मोस्ट ऑफ द एंशियंट डेफिनेशन। मैंने अभी आपको बोला नेचुरल स्कूल क्या है, सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना स्कूल है जिसने लॉ को डिफाइन किया था, बराबर। तो दीज आर दी एंशियंट डेफिनेशंस गिवन बाय रोमन, है ना। इस स्कूल को इधर नेचुरल स्कूल में जिन लोगों ने डिफाइन किया था वो कौन थे? रोमन भाई साहब। रोमन वॉज दी प्रोमिनेंट पर्सन जिन्होंने लॉस को सबसे पहले क्या करने की कोशिश करी थी? डिफाइन करने की कोशिश करी थी। एंड अदर एंशियंट जूरिस्ट, वेरियस डेफिनेशंस आर एज फॉलोस। सबसे पहले फ्रेंड्स देखो अल्पाइन ने क्या बोला। अल्पाइन ने बोला, है ना, अल्पाइन एक पर्सन थे नेचुरल स्कूल में। नेचुरल स्कूल की जो डेफिनेशंस हैं उनमें एक मिस्टर अल्पाइन थे। मिस्टर अल्पाइन ने क्या बोला? द आर्ट और साइंस, द आर्ट और साइंस ऑफ व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड, द आर्ट एंड साइंस, द आर्ट और साइंस ऑफ व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड इज लॉ। अल्पाइन का क्या कहना है? द आर्ट और साइंस ऑफ व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड, इक्विटेबल यानी सबके लिए बराबर, गुड मतलब सबके लिए अच्छा। तो अल्पाइन का कहना है जो सबके लिए बराबर है, सबके लिए एक समान है, सबके लिए अच्छा है, वही लॉ है। देखो तो कितनी सिंपल डेफिनेशन है। आपके और मेरे लिए जो बराबर है, आपके और मेरे लिए जो अच्छा है, वही लॉ है। ये अल्पाइन का कहना था। देखो क्या लिखा है, मेरे साथ रिपीट करेंगे, ये आता है पेपर में। सबसे पहली डेफिनेशन कौन सी थी? नेचुरल स्कूल की डेफिनेशन। चलो मेरे साथ आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप पढ़ रहे हो। सबसे पहली डेफिनेशन कौन सी थी फ्रेंड्स? नेचुरल स्कूल की। बिल्कुल आंख बंद करके मेरे साथ रिवाइज करना है आपको। सबसे पहले कौन सी डेफिनेशन थी? नेचुरल स्कूल। नेचुरल स्कूल इज द मोस्ट एंशियंट डेफिनेशन। जब लॉ को नया नया डिफाइन करने की कोशिश की जा रही थी ना, तो वो थी नेचुरल स्कूल की डेफिनेशन। हम नेचुरल स्कूल में क्या बोला? भैया ये इनहेरेंट लॉज है, लॉज ऑफ नेचर है, जो भगवान ने बनाया वही कानून है, आपको और मुझे तो फॉलो करना है। अब इसमें कौन थे? रोमन भाई साहब भी थे नेचुरल स्कूल में, जिन्होंने लॉज को डिफाइन करने की कोशिश करी। अल्पाइन की डेफिनेशन क्या बोलती है? अल्पाइन की डेफिनेशन क्या बोलती है? चलो आंखें बंद और मेरे साथ रिपीट करेंगे। आंखें बंद करिए और मेरे साथ रिपीट करना है। बिल्कुल इधर देखिए, आंखें बंद करिए, ध्यान पूरा मेरी साइड होना चाहिए। द आर्ट और साइंस, चलो मेरे साथ बोलेंगे, द आर्ट और साइंस ऑफ व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। फिर से मेरे साथ वापस रिपीट करेंगे, आंखें बंद, ध्यान पूरा मेरी तरफ। द आर्ट और साइंस ऑफ व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड, जो सबके लिए अच्छा और बराबर है, वही लॉ है। ये अल्पाइन का कहना था। क्लियर? जो सबके लिए अच्छा और बराबर है, जो आपके लिए अच्छा, मेरे लिए अच्छा, जो आपके और मेरे लिए बराबर, वही लॉ है। चलिए दूसरा। फिर आए सिसरो भाई साहब। आए कौन? आए सिसरो। अगले भाई साहब कौन थे? सिसरो। सिसरो ने भी डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया? द हाईएस्ट रीजन, इसको अंडरलाइन करेंगे, द हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। लॉ सबसे बड़ा कारण है नेचर में। क्लियर? द हाईएस्ट रीजन, रीजन यानी कारण। तो जो सबसे ऊपर है, जो सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे बड़ा रीजन है नेचर का, वही लॉ है। चलो मेरे साथ आंखें बंद रिपीट करेंगे, क्या बोला गया सिसरो ने? क्या बोला? द हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। नेचुरल स्कूल में अल्पाइन की हो गई, अब सिसरो की। आंखें बंद मेरी तरफ ध्यान, चलो सोना नहीं है, इधर देखो। द हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर, द हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर, किसने बोला? सिसरो ने। फिर एक और आए, एक और भाई साहब आए नेचुरल स्कूल में, जस्टिनियन डाइजेस्ट। द स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट,
जस्ट याने होता है गुड फ्रेंड, गुड, गुड फ्रेंड नहीं, जस्ट याने मतलब गुड, अनजस्ट याने नॉट गुड, जो ये बताए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा वही लॉ है। जस्टिन डाइजेस्ट का क्या, डिगेस्ट या डाइजेस्ट आप जो भी याद करने के लिए बोलो, जस्टिन डाइजेस्ट का क्या कहना था, जो ये बताए, जो एक स्टैंडर्ड सेट कर दे, लॉ एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। चलो जस्टिन डाइजेस्ट ने क्या बोला, द स्टैंडर्ड ऑफ वॉट इज जस्ट एंड अनजस्ट, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, जो ये बताता है वही लॉ है। अगला विनोग्रेडोफ, विनोग्रेडोफ आए, अगले कौन थे, विनोग्रेडोफ, विनोग्रेडोफ ने क्या बोला, लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स, लॉ एक तरीके के रूल्स है, ऑब्वियसली ये तो सबको पता है, लॉ एक तरीके क्या क्या है, रूल्स इंपोज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय सोसाइटी, जो किसने बनाया, सोसाइटी ने, नेचर ने, अब भी तो मैंने आपको बताया नेचुरल स्कूल क्या बोलता है, जो नेचर ने बनाया वही लॉ है। तो लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स इम्प्लांटेड एंड एनफोर्स्ड बाय सोसाइटी With regard to the attribution, exercise of power over person and things, लोगों को क्या करना है, लोगों को कैसे रहना है, है ना, लोगों को क्या करना है, लोगों को कैसे रहना है, इसके जो rules बनाए गए इन्हीं को law बोला जाता है। कौन ने बनाया, society ने। तो friends, Vinogradoff को क्या बोलना था, Vinogradoff का बोलना था कि law एक तरीके के rules हैं, law एक तरीके के rules हैं जो किसने बनाए हैं, सोसाइटी ने बनाए हैं, कि पीपल और थिंग, आपको और मुझे कैसे रहना है इसको बताता है। फिर आए सेलमेंट, अभी सेलमेंट क्या बोलते हैं, लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सेलमेंट बोलते थे लॉ क्या है, लॉ प्रिंसिपल्स है, एक तरीके के रूल्स है, प्रिंसिपल्स यानी रूल्स, लॉ एक तरीके के रूल्स है, सेलमेंट का भी कहना है लॉ एक तरीके के क्या है, रूल्स है जो स्टेट ने बनाए हैं, स्टेट मतलब सरकार ने बनाए हैं, सुपीरियर अथॉरिटी ने बनाए, सुपीरियर अथॉरिटी ने बनाए हैं कि भैया लोगों को न्याय कैसे मिलेगा। ऑब्वियसली लॉ के कारण ही तो न्याय मिलता है ना, लॉ में ही तो लिखा है, कानून में ही तो लिखा है सबको क्या मिलना चाहिए, न्याय। तो सेलमेंट का कहना था लॉ एक तरीके के रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, जिससे लोगों को जस्टिस मिलता है, जिससे लोगों को न्याय मिलता है। चलिए यहां ध्यान देंगे, बिल्कुल यहां ध्यान देंगे, यहां फोकस करेंगे। सबसे पहला क्या है, नेचुरल स्कूल, नेचुरल स्कूल सबसे एंशियंट स्कूल है जिसने लॉ को डिफाइन किया। सबसे पहले भाई साहब कौन आए थे, सबसे पहले भाई साहब आए थे अल्पाइन, अल्पाइन ने क्या बोला, द आर्ट और साइंस ऑफ व्हाट इज जस्ट, व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड, जो सबके लिए बराबर, जो सबके लिए अच्छा वही लॉ है। फिर आए सिसरो, सिसरो ने क्या बोला, द हाइएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर, द हाइएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। फिर आए जस्टिन डाइजेस्ट, जस्टिन डाइजेस्ट ने क्या बोला, द स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट, क्या सही है क्या सही नहीं है, जो ये बताता है वो लॉ है। फिर आए विनोग्रेडोफ, विनोग्रेडोफ ने क्या बोला, लॉ एक तरीके के रूल्स है, लॉ एक तरीके के रूल्स है जो सोसाइटी ने बनाए हैं, किसने बनाए हैं, सोसाइटी ने बनाए हैं, लॉ एक तरीके के रूल्स है जो किसने बनाए हैं, सोसाइटी ने बनाए हैं, ताकि लोग कैसे व्यवहार करें, लोगों को कैसे रहना है इसके लिए। फिर आए सेलमेंट, सेलमेंट ने क्या बोला, लॉ एक तरीके के प्रिंसिपल्स है, क्या है, प्रिंसिपल्स है, लॉ एक तरीके क्या है, प्रिंसिपल्स है, क्लियर, जो स्टेट ने बनाए हैं ताकि लोगों को न्याय मिले। दिस इज अबाउट नेचुरल स्कूल फ्रेंड्स, क्लियर। अब अगली डेफिनेशन, ये हो गई नेचुरल स्कूल। सेकंड डेफिनेशन है फ्रेंड्स पॉजिटिविस्टिक स्कूल, पॉजिटिविस्टिक स्कूल है ना, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ, कौन सी, पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ। अब ये पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ क्या बोलता है फ्रेंड्स, पॉजिटिव पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ बोलता है लॉज आर मैन मेड, आपने और मैंने लॉ बनाए। देखो नेचुरल स्कूल क्या बोल रहा था, लॉज आर मेड बाय नेचर, नेचुरल स्कूल यही बोल रहा था ना, लॉज आर मेड बाय नेचर, नेचर ने बनाए, भगवान ने बनाए। पॉजिटिविस्टिक बोलता है भैया भगवान भगवान ने नहीं बनाए, पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन बोलता है लॉज आर मैन मेड, आपने और मैंने, अपन मैन है ना, लोग है ना, लोगों ने कानून बनाया। पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन थोड़ा अलग चल रहा है नेचुरल स्कूल से, नेचुरल स्कूल क्या बोल रहा था, नेचुरल स्कूल बोल रहा था लॉज आर मेड बाय नेचर, पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन बोलता है नहीं 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 नहीं, लॉज आर नॉट मेड बाय नेचर, लॉज आर मैन मेड, आपने और मैंने बनाए हैं। देखो क्या बोला गया, पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन क्या बोल रहा है,
क्या बोल रहा है? लॉज आर मैन मेड, यही बोल रहा है ना। देखो अभी क्या है, नेचुरल लॉ थ्योरी एग्जैगरेट द रिलेशन ऑफ लॉ एंड मॉरलिटी, पॉजिटिव लॉ इज अ रिएक्शन अगेंस्ट पर्टिकुलरली दैट एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी। पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन अपोजिट है नेचुरल स्कूल की थ्योरी से। इट इंसिस्ट ऑन अ डिस्टिंक्शन बिटवीन ह्यूमन लॉ विच दे कॉल पॉजिटिव लॉ एंड मॉरल एंड साइंटिफिक लॉज। क्लियर? नेचुरल स्कूल बोलता था कि भैया जो लॉज हैं वो किसने बनाए, नेचुरल स्कूल बोलता था जो लॉज है वो किसने बनाए, नेचुरल नेचर ने। लेकिन पॉजिटिविस्टिक स्कूल बोलता है नहीं, लॉज आर मैन मेड, ह्यूमन मेड, आपने और मैंने बनाए हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ रूल। अब देखो पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन में कौन आए, जॉन ऑस्टिन आए। कौन आए? जॉन ऑस्टिन। मेरे साथ रिपीट करेंगे, पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन में कौन आए, जॉन ऑस्टिन आए। जॉन ऑस्टिन ने क्या बोला? जॉन ऑस्टिन ने बोला लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ रूल्स। लॉ में रूल्स हैं, जब बहुत सारे रूल्स को मिला लिया जाए तो क्या बन गया? लॉ। अरे भैया ये तो आपको और मुझे सबको पता है, लॉ में रूल्स लिखे हैं, तो जब बहुत सारे रूल्स को मिला लिया जाए तो लॉ बन गया। तो लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ रूल्स सेट बाय मैन एज पॉलिटिकली सुपीरियर और सोवर्जिन टू मैन एज पॉलिटिकली सब्जेक्ट। अब ध्यान से समझिए क्या बोला गया। पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन में एक भाई साहब थे जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन का क्या कहना था फ्रेंड? जॉन ऑस्टिन का कहना था कि पॉलिटिकली सुपीरियर लोगों ने, किसने, जो सुपीरियर हैं, जो ऊपर बैठे लोग हैं, पॉलिटिकली सुपीरियर लोगों ने कुछ रूल्स बनाए। देखो क्या बोला गया, पॉलिटिकली सुपीरियर लोगों ने कुछ रूल्स बनाए किनके लिए? पॉलिटिकली इंफीरियर लोगों के लिए। सुपीरियर लोगों ने, जो ऊपर बैठे लोग हैं, जिनके पास बहुत पावरफुल लोग हैं, पावरफुल लोग, पॉलिटिकली सुपीरियर लोग यानी पावरफुल लोग, जिनके पास क्या है, पावर है, उन लोगों ने कुछ रूल्स बनाए पॉलिटिकली इंफीरियर लोगों के लिए। मतलब जो पावरफुल लोग हैं उन्होंने रूल्स बना दिए हैं कि पॉलिटिकली इंफीरियर, जिनके पास पावर नहीं है, जो कमजोर लोग हैं, उनके लिए एक रूल्स बना दिए कि भैया तुमको ये रूल्स फॉलो करना है, और यही रूल्स को क्या बोल दिया गया, लॉ बोल दिया गया। नहीं समझा? सो फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकली सुपीरियर का एग्जाम्पल ले लीजिए, किंग। किंग इज पॉलिटिकली सुपीरियर, मोस्ट पावरफुल। तो किंग ने क्या बना दिए? रूल्स वहां की पब्लिक के लिए। उसके जुरिस्डिक्शन में जो पब्लिक रहती होगी, किंग का एक जुरिस्डिक्शन होता है ना, कि वहां की पब्लिक के लिए क्या बना दिए? रूल्स बना दिए कि भैया ये रूल्स जो राजा ने बनाए, जो किंग ने बनाए, वो पब्लिक को फॉलो करना है, और यही रूल्स को क्या बोल दिया गया? लॉ। तो किंग को मैं बोलूंगा सुपीरियर। सुपीरियर ने क्या बनाए? रूल्स बनाए। किसके लिए? इंफीरियर लोगों के लिए, कि इंफीरियर लोगों को ये रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, और यही रूल्स को लॉ बोल दिया गया। तो पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन क्या बोल रही है? पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन बोल रही है रूल्स जो पॉलिटिकली सुपीरियर लोगों ने बनाए इंफीरियर लोगों के लिए, जो पॉलिटिकली सुपीरियर लोगों ने बनाए इंफीरियर लोगों के लिए, इन्हीं रूल्स को क्या बोला गया? लॉ बोला गया। इन अदर वर्ड्स, लॉ इज द कमांड ऑफ सोवर्जिन। मुझे बताओ, राजा ने ये रूल्स, किंग ने, सुपीरियर लोगों ने ये रूल्स इंफीरियर लोगों के लिए क्यों बनाए? ताकि वो इंफीरियर लोगों के ऊपर कमांड कर पाए, है ना, ताकि वो उनके ऊपर कमांड कर पाए, कंट्रोल कर पाए। तो फ्रेंड्स क्या बोला गया? पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन क्या बोलती है? पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग डेफिनेशन। पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन बोलती है सुपीरियर लोगों ने इंफीरियर लोगों को कमांड करने के लिए, सुपीरियर लोगों ने इंफीरियर लोगों को कमांड करने के लिए रूल्स बना दिए, कंट्रोल करने के लिए रूल्स बना दिए। किसने बनाए? चलो मेरे साथ रिपीट करेंगे, पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन क्या बोल रही है? किसने बनाए रूल्स? सुपीरियर लोगों ने। किनके लिए बनाए? इंफीरियर लोगों के लिए, ताकि वो इंफीरियर लोगों को क्या कर पाए? कमांड, कंट्रोल कर पाए, और इन्हीं रूल्स को बोला गया लॉ। क्लियर? इट ऑब्लाइजेस अ सर्टेन कंडक्ट ऑफ और इंपोजेस अ ड्यूटी एंड इज बैक्ड बाय सैंक्शन। अंडरलाइन दिस वर्ड सैंक्शन। सैंक्शन मतलब पनिशमेंट। अब ये क्या है, ध्यान से समझिए। पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन क्या बोल रही है फ्रेंड्स, बहुत आराम से समझिए। पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन बोल रही है सुपीरियर लोग, जो सुपीरियर है, जो सुपर पोजिशन, जो ऊपर बैठे हुए किंग, वो क्या बनाता है? रूल्स बनाता है, ताकि वो इंफीरियर लोगों को क्या कर पाए?
कमांड कर पाए। रूल्स बनाता है मतलब वो इंफीरियर लोगों को बताता है कि तुमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, बराबर। जिसने रूल्स बनाए, सुपीरियर ने रूल्स बनाए इंफीरियर लोगों के लिए। रूल्स बनाए मतलब वो ये बता रहा है ना कि इन लोगों को, इंफीरियर लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। मतलब वो रूल्स बना के इनके ऊपर क्या लगा रहा है, ड्यूटी, कि तुमको क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। अगर इंफीरियर लोग जिनके लिए रूल्स बनाए गए, अगर इन्होंने अपना काम नहीं किया तो इनको पनिशमेंट मिलेगी, बराबर। अगर इन्होंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी तो क्या मिलेगी, पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स सेंशन। क्या होता है, सेंशन। तो फ्रेंड्स पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन क्या बोल रही है, पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन बोल रही है सुपीरियर लोगों ने, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन क्या बोल रही है, सुपीरियर लोगों ने इंफीरियर लोगों के लिए, सुपीरियर लोगों ने इंफीरियर लोगों के लिए रूल्स बनाए ताकि वो इंफीरियर लोगों को क्या कर पाए, कमांड कर पाए, कंट्रोल कर पाए। रूल्स बना के ड्यूटी लगा दी। लेकिन अगर इंफीरियर लोगों ने ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी तो क्या होगा, तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, सेंशन मिलेगा। तो क्या बोला गया, इट ऑब्लाइजेज अ सर्टेन कोर्स ऑफ कंडक्ट और इम्पोजेज द ड्यूटी एंड इज बैक्ड बाय सेंशन। क्लियर। तो हर एक इंफीरियर को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, अगर इंफीरियर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। चलिए, सो दिस इज पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन के तीन एलिमेंट है, सबसे पहले कमांड, ठीक है, सुपीरियर लोग, सुपीरियर लोग इंफीरियर लोगों को क्या करने चाहते हैं, कमांड करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना। इनके ऊपर इन्होंने क्या लगा दी, ड्यूटी लगा दी इंफीरियर लोगों के ऊपर, और अगर इंफीरियर लोग अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेंगे तो इनको सेंशन लगेगा, पनिशमेंट मिलेगी। मतलब पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन की तीन चीजें, तीन एलिमेंट है। सबसे पहले सुपीरियर लोग इंफीरियर लोगों को कमांड करेंगे, ठीक है, इंफीरियर लोगों को ड्यूटी बताएंगे उनको क्या काम करना है, और अगर इंफीरियर लोगों ने ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी तो उनके ऊपर सेंशन लगेगा। क्लियर। अब आते हैं कैल्सिन्स थ्योरी। कैल्सिन्स थ्योरी प्योर, कैल्सिन्स गेव अ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, है ना। कैल्सिन की थ्योरी का क्या नाम है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। अकॉर्डिंग टू हिम लॉ इज अ नॉर्मेटिव साइंस, द लीगल नॉर्म्स आर ऑड नॉर्म्स एग्जिस्टिंग फ्रॉम इज नॉर्म्स ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल साइंस। कैल्सिन बोलता है लॉ हमको ये बताता है कि हमको क्या करना है, ऑड नॉर्म्स यानी क्या करना है और उसके क्या इफेक्ट्स होंगे। तो यही तो बोल रहा है भाई, पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन में क्या बोला गया कि हमको क्या करना है और हम क्या नहीं करेंगे तो हमको क्या पनिशमेंट मिलेगी। दिस इज कॉल्ड प्योर थ्योरी ओनली, ठीक है। तो कैल्सिन की थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में भी नहीं पूछी जाती है, आपको डायरेक्ट पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन लिखना है। तो पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन हो गई, तो अपन ने नेचुरल स्कूल देख लिया, अपन ने पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन देख ली। दोनों में देखो जमीन आसमान का अंतर है। नेचुरल स्कूल बोलता था अरे 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 जो भगवान ने बनाया वही लॉ है, है ना, जो नेचर में वही कानून है, जो सबके लिए बराबर, जो सबके लिए अच्छा है वही कानून है। पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लॉज आर मैन मेड, सुपीरियर लोगों ने इंफीरियर लोगों के लिए कानून बनाया, रूल्स बनाए, वो इंफीरियर लोगों को फॉलो करना है, वो ड्यूटी परफॉर्म करनी है, अगर इंफीरियर लोगों ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी तो उनके ऊपर सेंक्शन लगेगा, पनिशमेंट लगेगी। अब आते हैं फ्रेंड्स हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ। किस पर आते हैं, हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ पर। अब हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ क्या बोलता है, देखिए हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ, हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ, देखिए हिस्टोरिकल डेफिनेशन बोलता है कि कोई भी कानून सोसाइटी की नीड्स और बिहेवियर को देख के बनाया जाता है। हिस्टोरिकल डेफिनेशन क्या बोल रहा है, कोई भी कानून सोसाइटी की नीड्स और बिहेवियर को देख के बनाया जाता है। मतलब सोसाइटी की जरूरत क्या है, सोसाइटी का बिहेवियर कैसा है और उसके बेसिस पे कानून बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ। देखो पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन क्या बोलता था, पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन बोलता था सुपीरियर लोगों ने इंफीरियर लोगों को कमांड करने के लिए लॉ बनाया, अगर इंफीरियर लोग अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनके ऊपर पनिशमेंट लगेगी, सेंक्शन लगेगा। हिस्टोरिकल डेफिनेशन बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता। हिस्टोरिकल डेफिनेशन क्या बोलता है कि सोसाइटी की क्या जरूरत है, सोसाइटी का क्या बिहेवियर है और उसके बेसिस पे लॉ बनाया जाएगा, दैट इज हिस्टोरिकल डेफिनेशन। एग्जाम्पल, जैसे अभी आपने फार्म लॉज देखे है ना, गवर्नमेंट ने तीन फार्म लॉज बनाए। अब गवर्नमेंट को लगता है फार्मर्स को ग्रो कराने के लिए, फार्मर्स की इनकम को ग्रो कराने के लिए भैया फार्म लॉज जरूरी है ना, फार्मर्स की इनकम ग्रो नहीं हो रही है
तो फार्मर्स की इनकम को ग्रो कराने के लिए 3 नए कानून बनाना जरूरी है। तो गवर्नमेंट को क्या लगा कि सोसाइटी की नीड है, फार्मर्स की इनकम को ग्रो कराना है, तो वो नीड को फुलफिल करने के लिए उन्होंने फार्म लॉज बना दिए। क्लियर? तो फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल डेफिनेशन क्या बोल रहा है? हिस्टोरिकल डेफिनेशन बोल रहा है लॉज सोसाइटी की नीड्स और बिहेवियर को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। देखते हैं इसके लिए हिस्टोरिकल डेफिनेशन के लिए। फ्रेंड्स, जो भाई साहब थे जिन्होंने हिस्टोरिकल डेफिनेशन दी वो थी सेविग्नी। देखो सेविग्नी ने क्या बोला, सेविग्नी थ्योरी ऑफ लॉ कैन बी समराइज्ड एज फॉलोस, द लॉ इज अ मैटर ऑफ अनकॉन्शियस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ, देयरफॉर लॉ इज फाउंड एंड नॉट मेड। उनका कहना था लॉ इज फाउंड एंड नॉट मेड, लॉ को ढूंढा जाता है। तो पहले आप सोसाइटी की नीड को ढूंढोगे, सोसाइटी में क्या जरूरत है वो देखोगे, उसके बाद ही तो लॉ बनाओगे। तो अपने आप लॉ नहीं बन रहा है, लॉ इज फाउंड। आपको पहले समस्याएं ढूंढनी है, प्रॉब्लम ढूंढनी है, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉ बनाना है। लॉ इज नॉट यूनिवर्सल इन इट्स नेचर, लाइक लैंग्वेज इट वेरीज विद पीपल एंड एज। ऑब्वियसली भाई, हर एक की नीड अलग है कि नहीं, आप मुझे बताओ। सोसाइटी में जितने लोग रहते हैं सबकी नीड अलग है कि नहीं? बिल्कुल सर, सबकी नीड अलग है। तो सबकी नीड अलग है तो सबके लिए कानून भी अलग अलग होना चाहिए। फार्मर्स की नीड अलग है तो फार्मर्स के लिए कानून अलग होना चाहिए। बिजनेसमैन की नीड अलग है तो बिजनेसमैन के लिए लॉ अलग होना चाहिए। सो जैसे क्या बोला गया, इट वेरीज विद पीपल एंड एज, जैसे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं वैसे ही अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग उम्र के लोगों के लिए लॉ भी अलग अलग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी पहले जैसे आप देखो क्रिमिनल कोड में था, है ना, क्रिमिनल लॉ में था कि अगर किसी का रेप होता है तो 7 साल या 10 साल तक की सजा होगी, बराबर। फिर गवर्नमेंट को लगा नहीं यार, अगर 12 साल से कम बच्ची का रेप होता है तो फिर तो ये तो बहुत बड़ा क्राइम है, तो भाई उसके लिए फिर मौत की सजा होनी चाहिए, डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। तो देखो अलग अलग एज के लिए अलग अलग लॉ हो गया, ठीक, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लॉ हो गया। तो कभी भी लॉ यूनिवर्सल नहीं है फ्रेंड्स, एक समान नहीं है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, अगर आपकी नीड अलग है, तो आपके लिए अलग कानून होगा। दिस इज वॉट हिस्टोरिकल डेफिनेशन इज। कस्टम्स नॉट ओनली प्रिसीड्स लेजिस्लेशन बट इट इज सुपीरियर टू इट, लॉ शुड ऑलवेज कन्फर्म टू द पॉपुलर कॉन्शियसनेस। ये पॉइंट मैं यहां छोड़ रहा हूं अभी, जब मैं आपको कस्टम्स पे लेकर जाऊंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये पॉइंट अभी अपन यहां पर स्टार मार्क कर देते हैं, ठीक है, इसको छोड़ रहा हूं, आगे बताऊंगा। लॉ हैज इट सोर्स इन द कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल, जैसा लोग सोचते हैं। भाई हिस्टोरिकल डेफिनेशन के हिसाब से लॉ क्यों बनाया जा रहा है, कि लोगों की नीड को देखते हुए। तो लोगों की जो नीड होगी, लोगों की जो सोच होगी, उसके बेसिस पर ही लॉ बनाया जाएगा, लोगों के बिहेवियर को देखते हुए। तो क्या बोला गया, देखो लॉ हैज इट सोर्स इन द कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल, लोगों का जैसा बिहेवियर है, लोग जैसा सोच रहे हैं, उस हिसाब से लॉ बन रहा है। लेजिस्लेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ लॉ मेकिंग, इन देयरफॉर द लॉयर और द जूरिस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लेजिस्लेटर। लेजिस्लेचर ने तो लॉ बना दिया, लेकिन लॉ को इंटरप्रेट कौन करेगा, जूरिस्ट। लॉ को समझाएगा कौन, लॉ तो बना दिया लेजिस्लेचर ने, लॉ बना दिया, लेकिन जूरिस्ट और जो लॉयर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। तो ये पॉइंट भी मैं यहां अभी रुकता हूं, जब मैं आपको लेजिस्लेचर वाले पॉइंट पर लेकर जाऊंगा वहां बताऊंगा, क्लियर। तो हिस्टोरिकल डेफिनेशन में आप इतना समझिए, हिस्टोरिकल डेफिनेशन क्या बोलता है, हिस्टोरिकल डेफिनेशन बोलता है भैया कोई भी लॉ सोसाइटी की नीड और बिहेवियर को देख के बनाया जाता है, ऐसे हवा में ही नहीं बन जाता है, क्लियर। आगे, अकॉर्डिंग टू सर हेनरी मेन, द वर्ड लॉ हैज कम डाउन टू अस इन क्लोज एसोसिएशन विद टू नोशन, द नोशन ऑफ ऑर्डर एंड द नोशन ऑफ फोर्स। अकॉर्डिंग टू हेनरी मेन क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू हेनरी मेन, है ना, सर हेनरी मेन ने क्या बोला, लॉ के दो मतलब है, एक लॉ हमको ऑर्डर देता है, ऑब्वियसली लॉ हमको ऑर्डर ही तो देता है भाई, गवर्नमेंट लॉ बना के हमको क्या देती है, ऑर्डर कि तुमको ये करना है और ये नहीं करना है, और लॉ हमारे ऊपर फोर्स लगाता है भाई। लॉ भारत, मान लो गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना दिया, लॉ बना दिया तो गवर्नमेंट हमको ऑर्डर दे रही है ना बाय फोर्स, जबरदस्ती कि तुमको ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया, अब गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर है, एक फोर्स है कि अगर आप इनकम कमाओगे तो आपको क्या पे करना होगा, टैक्स पे करना होगा। अच्छा, नहीं पे करोगे तो चलेगा क्या, नहीं। तो लॉ हमको एक ऑर्डर दे रहा है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है कि तुमको ये काम करना ही है या तुमको ये काम नहीं करना है, क्लियर। दिस इज अबाउट हिस्टोरिकल डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन है। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स कम टू सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन, ठीक है। अगली डेफिनेशन क्या है, सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन,
अब सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन क्या बोलती है फ्रेंड्स, हेडिंग डालिए सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन। सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन बोलती है फ्रेंड्स, लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लॉ का ऑब्जेक्टिव बताती है कि लॉ का कारण क्या है, क्यों लॉ बनाए जाते हैं। लॉ का ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी को प्रमोट करना। सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन बोलती है कि कोई भी कानून का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, कोई भी कानून का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जहां वो लॉ लग रहा है वो सोसाइटी आगे बढ़े। मतलब कोई भी कानून इसलिए बनाया जाता है ताकि सोसाइटी प्रमोट हो, सोसाइटी आगे बढ़े, सोसाइटी और अच्छी ग्रो हो। क्लियर? कोई भी लॉ क्यों बनाया जाता है, सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन का मानना है कि कोई भी लॉ इसलिए बनाया जाता है ताकि सोसाइटी, जिस जगह पर वो कानून लगेगा वो जगह पर उस सोसाइटी का प्रमोट, उस सोसाइटी की ग्रोथ होनी चाहिए। क्लियर? देखते हैं ड्यूगेट आए, ड्यूगेट ने क्या बोला, देखिए एसेंशियल एंड एक्सक्लूसिवली सोशल फैक्ट्स है ना। क्या बोला गया ड्यूगेट ने, बोला कि भाई जो लॉ है वो एसेंशियल एंड एक्सक्लूसिवली सोशल फैक्ट्स पर है, मतलब सोसाइटी के प्रमोशन के लिए है। हियरिंग आई, डिफाइन लॉ इज द फॉर्म ऑफ गारंटी ऑफ द कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी अश्योर्ड बाय स्टेट पावर्स ऑफ कॉन्स्टेंट। इरिट ने क्या बोला, इरिंग ने क्या बोला, इरिंग ने ध्यान से समझिए, इरिंग बोलता है लॉ एक गारंटी देता है। इरिंग ने क्या बोला, लॉ एक गारंटी देता है, क्या देता है, गारंटी देता है वहां आपके लाइफ की, ठीक है, आपके लाइफ की कंडीशंस की। आप जिस सोसाइटी में रहते हो आप वहां पर अच्छे से रह सकते हो, इसकी गारंटी कौन देता है, लॉ देता है। तो देखो इयरिंग का कैच कहना था, द फॉर्म ऑफ गारंटी, लॉ इज द फॉर्म ऑफ अ गारंटी, लॉ एक तरीके की गारंटी है जो किसने दी, स्टेट ने, गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट लॉ बनाकर आपको गारंटी दे रहा है कि आप भाई जहां सोसाइटी में रहते हो वहां आपकी लाइफ आप अच्छे से जी पाओ। तो लॉ क्यों बनाया जाता है, अब आप क्रिमिनल लॉ क्यों बनाए गए, आप बताओ क्रिमिनल लॉ क्यों बनाए गए, ताकि क्राइम को रोका जाए, ताकि लोग अच्छे से रह पाए, बराबर। तो लॉ एक तरीके की गारंटी देता है, कौन देता है ये गारंटी, लॉ देता है, जो किसने बनाया, स्टेट ने, गवर्नमेंट ने, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, बराबर। तो गवर्नमेंट ने लॉ बनाकर गारंटी दी आपकी लाइफ की कि आप अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकते हो। क्लियर, समझा? सो दिस इज अबाउट सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन फ्रेंड्स। अब आते हैं लास्ट डेफिनेशन विच इज रियलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ। ठीक, अगली डेफिनेशन कौन सी है फ्रेंड्स, रियलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ। अब रियलिस्टिक डेफिनेशन क्या बोलते हैं, रियलिस्टिक डेफिनेशन लॉ को रियलिटी, लॉ को रियलिटी में समझाता है। रियलिस्टिक डेफिनेशन क्या बोलती है, रियलिस्टिक डेफिनेशन लॉ को इन रियलिटी समझाता है ना, ऐसा भी लिख सकते हो आप, लॉ को रियलिटी में समझाता है या लॉ को इन रियलिटी समझाता है। इन रियलिटी समझाता है मतलब ये ह्यूमन फैक्टर की बात करता है, ह्यूमन फैक्टर की बात करता है मतलब, ह्यूमन फैक्टर की बात करता है मतलब वो ये बताता है कि जब कोई जज ने कोई डिसीजन दिया तो जज का माइंडसेट क्या था, है ना, जज का माइंडसेट क्या था, या जब कोई कोर्ट में केस चल रहा था तो केस लड़ते टाइम लॉयर का माइंडसेट क्या था। इन बातों को ध्यान में रखकर लॉ बनाया गया है एंड दिस इज कॉल्ड रियलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ। रियलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ फ्रेंड्स लॉ को इन रियलिटी समझाता है, मतलब वो ह्यूमन फैक्टर की बात करता है। वो बोलता है, रियलिस्टिक डेफिनेशन ये बताता है कि जब कोई जज अपना जजमेंट दे रहा है, जब कोई जज अपना ऑर्डर पास कर रहा है तो जज का माइंडसेट क्या है, लॉयर का माइंडसेट क्या है केस लड़ते टाइम। जब इन बातों को समझाया जाएगा तो दिस कॉल्ड रियलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ। देखते हैं क्या है रियलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ इन टर्म्स ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू होम्स, लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस इन विच पब्लिक फोर्स विल बी ब्रॉट टू बियर अपॉन थ्रू कोर्ट्स। कोर्ट ने जब कोई जजमेंट दिया पब्लिक के लिए,
तो कोर्ट का माइंडसेट क्या था, कोर्ट का जज का माइंडसेट क्या था वो डिसीजन को देते टाइम, दिस कॉल्ड रियलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ। देखो क्या बोला गया, होल्ब्स ने क्या बोला, लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस इन विच पब्लिक फोर्स विल बी ब्रॉट टू बियर अपॉन थ्रू कोर्ट्स, है ना। कोर्ट जब कोई जजमेंट दे रहा है, जब कोई ऑर्डर दे रहा है, फोर्स मतलब ऑर्डर, पब्लिक को कोई ऑर्डर दे रहा है, कौन, कोर्ट, तो वो कोर्ट का माइंडसेट क्या है, कौन से सर्कमस्टेंसेस में उसने वो ऑर्डर दिया, जब इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, दिस इज कॉल्ड रियलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ। नहीं समझा? तो कोर्ट अगर कोई ऑर्डर पास कर रहा है पब्लिक के लिए, तो कौन से सर्कमस्टेंसेस में वो ऑर्डर पास हो रहा है, इसकी स्टडी को ही रियलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ बोला गया। अकॉर्डिंग टू कार्डोजो, कार्डोजो ने क्या बोला, अ प्रिंसिपल और रूल ऑफ कंडक्ट सो एस्टैब्लिश एज टू जस्टिफाई अ प्रेडिक्शन विद रीजनेबल सर्टेनिटी दैट विल बी इन्फोर्स बाय कोर्ट्स इफ इट्स अथॉरिटी इज चैलेंज्ड इज अ प्रिंसिपल और रूल ऑफ लॉ। कार्डोज का क्या कहना था, कार्डोजो का कहना था कि लॉ एक तरीके के रूल्स हैं, लॉ एक तरीके के क्या है, रूल्स हैं, अ प्रिंसिपल और रूल ऑफ कंडक्ट, है ना। लॉ एक तरीके का प्रिंसिपल, एक तरीके का रूल है, जिसमें अगर कभी भी डिस्प्यूट होगा तो कौन उसको डिस्प्यूट को कहां आप जाके वो डिस्प्यूट को चैलेंज कर सकते हो, कोर्ट में। तो क्या बोला गया, कार्डोजो का कहना था कि भैया लॉ एक तरीके के प्रिंसिपल्स हैं, एक तरीके के रूल्स हैं, कि जब भी वो प्रिंसिपल्स या रूल्स को चैलेंज किया जाएगा तो कहां चैलेंज किया जाएगा, कोर्ट में। आप देखो जब भी कोई कोई लॉ को लेकर डिस्प्यूट होता है, कोई कोई लॉ को चैलेंज किया जाता है, तो कहां चैलेंज किया जाता है, कोर्ट में। तो ऐसे रूल्स, ऐसे प्रिंसिपल्स जिनको कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा वही तो लॉ है, है ना। अगर आपने कोई रूल बना दिया, आपने कोई प्रिंसिपल बना दिया और मुझे वो रूल पसंद नहीं आया, मैंने कोर्ट में जाके वो चैलेंज कर दिया कि ये रूल गलत है, दैट इज अ लॉ। तो कोई भी प्रिंसिपल या रूल जो बनाए गए हैं, अगर उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जाता है कोर्ट में, तो वो लॉ बन गया। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट फॉलोज दैट लॉ इज नथिंग बट अ मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेटिंग द ह्यूमन कंडक्ट इन अ सोसाइटी सो दैट द हार्मोनियस कॉम्पोरेशन ऑफ इट्स मेंबर इंक्रीजेज एंड देयर बाय अवॉइड द रून बाय कोऑर्डिनेटिंग द डाइवर्ज कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑफ सोसाइटी विच वुड इन टर्न एनहेंस द पोटेंशियलिटीज एंड वाइबिलिटी ऑफ अ सोसाइटी एज अ होल। देखो क्या बोला गया, जितनी डेफिनेशन अपन ने पढ़ी सब में क्या बताया गया, लॉ इज नथिंग, लॉ कुछ नहीं है, क्या है, बट अ मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेटिंग द ह्यूमन कंडक्ट इन अ सोसाइटी। जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको रेगुलेट करने के लिए तो लॉ बनाया गया। अब आप बताओ अगर क्रिमिनल लॉ नहीं होता तो आज मर्डर, डकैती, रेप, चोरी, ये कोई क्राइम होता ही नहीं। आज अपन डरते क्यों हैं कोई भी क्राइम करने से, चूंकि अपने को पता है कि अपने को जेल हो सकती है। तो लॉ एक मैकेनिज्म है, लॉ एक क्या है, मैकेनिज्म, एक तरीका, मैकेनिज्म यानी तरीका, लॉ एक तरीका है कि ह्यूमन कंडक्ट सोसाइटी में अपना जो बिहेवियर है, कंडक्ट यानी बिहेवियर, सोसाइटी में अपने बिहेवियर को रेगुलेट, कंट्रोल करने के लिए। देखो क्या बोला गया, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। लॉ एक तरीका है अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। अगर लॉ नहीं होता तो आप और मैं आज कुछ भी कर रहे होते, बराबर, कोई अपने को कोई कुछ नहीं बोल सकता था। लेकिन आज अपन डरते क्यों हैं, क्योंकि कानून है। तो लॉ एक तरीका है लोगों के बिहेवियर को, सोसाइटी में जो अपना बिहेवियर उसको रेगुलेट करने के लिए, ताकि लोगों में हार्मोनियस कॉम्प्रेशन, एकता बनी रहे। आज अपन शांति से क्यों रह रहे हैं, क्योंकि अपने को मालूम है अगर अपन ने कुछ भी किया तो अपने को जेल हो सकती है, पुलिस वाला ले जा सकता है। तो लॉ एक तरीका है सोसाइटी को रेगुलेट करने का, ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करने का, ताकि हार्मोनियस कॉपरेशन बना रहे अमंग इट्स मेंबर्स, जो भी सोसाइटी में लोग रहते हैं उनमें एकता रहे। लॉ नहीं होता तो आज अपने बीच में एकता होती क्या, नहीं, अपन झगड़ा कर रहे होते, अपन कुछ भी कर रहे होते, आज अपन डरते हैं, क्लियर। आगे अब आते हैं फ्रेंड्स सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ। तो यहां अपनी डेफिनेशंस खत्म हो गई, नेचुरल स्कूल अपन ने पढ़ लिया, उसके बाद अपन ने पॉजिटिविस्टिक, हिस्टोरिकल, है ना, सोशियोलॉजिकल और रियलिस्टिक, पांचों डेफिनेशंस अपन ने पढ़ ली, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक पेपर में आएगी, आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ। लॉ इज नॉट स्टैटिक, ये मैंने आपको बताया, लॉ एक समान नहीं है। जैसे जैसे सोसाइटी की नीड बदली है, सोसाइटी का बिहेवियर बदला है, लॉ भी बदला है, बराबर। लॉ इज नॉट स्टैटिक, एज सर्कमस्टेंसेज एंड कंडीशंस इन अ सोसाइटी चेंज, लॉज आर ऑल्सो चेंज टू फिट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का बिहेवियर चेंज हुआ, सोसाइटी की नीड चेंज हुई, तो लॉ भी बदला। फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल लॉ कितना पुराना कानून है, आज से 150 साल पुराना कानून, बराबर, क्रिमिनल लॉ। अब जब क्रिमिनल लॉ बनाया गया आज से 150 साल पहले, आप मुझे बताइए क्या हैकिंग, है ना, या
आपका जैसे लैपटॉप हैक हो जाता है या अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, क्या 150 साल पहले हैकिंग हुआ करता था? क्या आपका इंटरनेट बैंकिंग हैक हो गया होता था क्या 150 साल पहले? नहीं सर। तो तब हैकिंग क्राइम था क्या? नहीं, तब तो भाई तब हैकिंग होता ही नहीं था। तो जब क्रिमिनल लॉ बनाया गया तब हैकिंग क्राइम नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट ग्रो हुआ, आपका देखो लोगों के इंटरनेट उन लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, कितना सब कुछ होने लगा, लोगों का डेबिट कार्ड घर में ही रहता है लेकिन फिर भी अकाउंट से डेबिट, पता चला एटीएम मशीन से पैसे निकल गए, ईमेल हैक हो जाता है, व्हाट्सएप फेसबुक हैक हो जाता है, इंस्टाग्राम का आपका पेज हैक हो जाता है, होता है ना, क्लियर? या अभी देखो अभी फेसबुक पर कितना चल रहा है कि मैसेंजर पर आपका कोई मतलब एक फेक प्रोफाइल बना के आपके मैसेंजर पर आपको मैसेज भेजते हैं कि यार मैं तेरा दोस्त हूँ, है ना। मान लीजिए आपकी फेक प्रोफाइल किसी ने बना ली और वो बंदा आपके फ्रेंड को मैसेज कर रहा है कि यार मुझे पैसे की जरूरत है, अभी कितना आ रहा था फेसबुक मैसेंजर पे ऐसा हो रहा था। तो ये सब आज से 150 साल पहले क्राइम नहीं था क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं था, लेकिन जब ये होने लगा तो क्रिमिनल लॉ को क्या होना पड़ा, चेंज होना पड़ा, ये सब क्राइम की डेफिनेशन में डालना पड़ा। तो लॉ कभी एक समान नहीं रहा फ्रेंड्स, जैसे जैसे सोसाइटी बदली, नीड बदली, बिहेवियर बदला, लॉ में भी चेंजेस आए। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम द प्रिवेलिंग लॉ ऑफ अ सोसाइटी मस्ट बी इन कन्फर्मिटी विद द जनरल स्टेटमेंट कस्टम्स एंड एस्पायरेशन ऑफ अ पीपल। जब भी कोई लॉ बनाया जाता है, जब भी कोई लॉ किसी सोसाइटी में होता है, तो वो सोसाइटी को ध्यान में रखकर, वहां के रिवाज, वहां के कस्टम्स को ध्यान में रखकर, वहां के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ऐसे गवर्नमेंट हवा में कोई लॉ नहीं बनाती। जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो वहां के कस्टम्स, कस्टम्स यानी रीति रिवाज, वहां के लोगों की इच्छाएं, पीपल एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल, लोगों की क्या इच्छा है, है ना, वहां के लोग क्या चाहते हैं, उसको ध्यान में रख के लॉ बनाया जाता है। मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव अनफोल्डेड वास्ट प्रोस्पेक्ट्स एंड अरोज न्यू एंड बिग एंबिशंस इन मैन। मटेरियलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म आर प्रिवेलिंग ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ। दीज डेवलपमेंट्स एंड चेंजेस हैव टेंडेड टू ट्रांसफॉर्म द लॉ पेटेंटली एंड लेटेंटली। जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रो हुई, देखो अलग अलग तरीके से फ्रॉड होने लगे, है ना, अलग अलग क्राइम होने लगे, तो ऑब्वियसली लॉ को भी बदलना पड़ा। Therefore, law has undergone a vast transformation, conceptual and structural. The idea of abstract justice has been replaced by social justice. है ना? इसलिए अगर आप 300 साल पहले जो कानून भारत में हुआ करते थे, जो लॉज थे, 300 साल बाद आप देखो ड्रास्टिक चेंजेस आ गए हैं कानूनों में। पहले आप देखो आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले आप ले लीजिए, फार्मर्स अपना जो अनाज था उसे मंडी में बेच सकता था, बाहर नहीं बेच सकता था। अब गवर्नमेंट बोलती नहीं, हम बाहर भी बेचने देंगे, मंडी के अलावा वो, अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट बेचना है उसको, तो मंडी में जाने की जरूरत नहीं, फार्मर्स डायरेक्ट आपको बेच सकता है। सो समझ में आ रहा है, सोसाइटी की नीड बदल रही है, बिहेवियर बदल रहा है, तो लॉ भी बदल रहा है। द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ इन ऑर्डर विच इन टर्न प्रोवाइड्स होप ऑफ सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर। लॉ का मेन कारण क्या है? ताकि आपके फ्यूचर को सिक्योर करें। भाई ऑब्वियसली कानून के कारण ही तो अपना फ्यूचर सिक्योर है। आज अपने को मालूम है कि अपने साथ कुछ गलत होगा फ्यूचर में, तो लॉ है। द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ इज ऑर्डर विच इन टर्न प्रोवाइड्स होप फॉर सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर। लॉ इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस एंड रिमूव द एग्जिस्टिंग इम्बैलेंसेस इन द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड प्ले अ स्पेशल रोल इन द टास्क ऑफ अचीविंग वेरियस सोशियो इकोनॉमिक गोल्स एनरिच्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। है ना, कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान में जो भी लिखा है उसको फुलफिल करने के लिए भारत में क्या बनाए जाते हैं? कानून बनाए जाते हैं। कानून ही नहीं होंगे तो कोई कुछ फॉलो नहीं करेगा। इट हैज टू सर्व एज अ व्हीकल ऑफ सोशल चेंज एंड एज अ हार्बिंगर ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब पूरी सोसाइटी को न्याय मिले, सबको एक बराबर न्याय मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको जस्टिस मिलता है मुझे नहीं मिलता, नहीं। तो लॉ का मेन पर्पस यह है कि सबको सोशल जस्टिस हो, सोसाइटी के लिए न्याय हो, है ना, सबको बराबर न्याय मिले, सबको बराबर जस्टिस मिले। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ लॉ, क्लियर? सो दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कई बार 3 नंबर के लिए सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ का क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स।